वेलकम बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन में घर में अपने कैसे व्यतीत कर रहे हैं? तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए आज वीडियोस बनाया है, ज़रूर देखें और अगर कोई क्वेरी हो तो हमको बताएं। तो हमारे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग, आपके घर वालों को भी गुड मॉर्निंग। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर खाली ना बैठें, वीडियोज़ देखें और मैथ इंग्लिश अपनी पढ़ाई करते रहें। तो सभी को बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, साथ में आपके सभी घर वालों को मेरा नमस्कार। तो आइए देखते हैं, आज हम क्लास 8 के मैथ को लेकर आए हैं। आप अगर 6-7 में हैं तो भी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे आज परिमेय संख्या की। तो आपने संख्याएं पढ़ी होंगी जी, संख्याएं जानते हैं ना, 1, 2, 3 गिनती जी, बिल्कुल उन्हीं संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने पहले देखा होगा नंबर सिस्टम, जो आपने पहले पढ़ा होगा कि संख्या रेखा पर संख्याएं जो 0 एक तरफ ऋणात्मक होता है, एक तरफ धनात्मक होता है पहली कक्षाओं में। साथ में आपने भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 1/2 पढ़ा, साथ में चर पढ़ा जैसे AX Y, इन सबको भी देखा कि ये क्या होते हैं, चर व अचर होते हैं। तो इनमें अब आप जैसे से आगे क्लासों में जाएंगे तो संख्याओं को और बांटा गया है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यार रेशनल नंबर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानने से पहले आइए देखते हैं कि ये संख्याएँ होती क्या हैं, राइट? क्योंकि संख्याएँ आपके दैनिक जीवन में हैं, तो ये संख्याएँ होती क्या हैं, इस संख्याओं को देखते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं संख्याएं। तो मुख्य रूप से जो ये संख्याएं हैं हमारी दो भागों में बांटी गई हैं, आइए उन्हीं के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारी वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर्स बोलते हैं। पहला भाग क्या होता है संख्याओं का, बोलिए। हाँ, वास्तविक संख्याएं, पहला भाग क्या है? वास्तविक संख्याएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो पहला भाग इसका होता है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसे इररियल नंबर या हम अज्यूम नंबर्स बोलते हैं। तो हमारी जो रेशनल परिमेय संख्याएं हैं वो हमारा वास्तविक संख्याओं में आता है, इसी को देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्या जो वास्तव में संख्या नहीं है, जैसे कि मैं कहूँ तुम्हारे पास ₹1 है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो तुम्हारे पास कितने रुपये हैं बताओ? कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हारे पास ₹1 है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये हमारी क्या हो गई, इसे हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर, या वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जैसे तुम्हारे पास ₹1 हैं, ₹Y हैं, ₹A हैं, जैसे AX Y Z, ये सब हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ये काल्पनिक संख्या है कि वास्तव में कोई संख्या नहीं है, हमने माना अज्यूम किया कि तुम्हारे पास ₹A हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारे पास आम है, आम का सीजन आ रहा है ना, आम तो आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे, खैर मिलेंगे आम, घर पे रहिए। तो इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप भी घर पे क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे खाली बैठ के। तो ये हमारी क्या होंगी? काल्पनिक संख्या है। इन्हें हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, अर्थात मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। जैसे आपने गणित में सवाल किए होंगे ना, तो मानते हैं कि माना यक्स, माना यक्स, तो हम मान लेते हैं माना यक्स। तो ये हमारी क्या हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। यह कोई संख्या नहीं है, इसे हमने मान लिया कि वह संख्या है। जैसे आप खाना न खाओ, मान लो कि तुमने खाना खाया। तो आइए देखते हैं दूसरा वास्तविक संख्या, जिसको हमने को पढ़ना है। तो अब देखते हैं वास्तविक संख्या मुख्य रूप से हमारा बटा है दो हिस्से में। एक हिस्सा होता है उसका परिमेय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक हिस्सा क्या होता है हमारा? परिमेय। और दूसरा हिस्सा होता है अपरिमेय, ठीक है? तो जैसा नाम है इसका, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय मीन परिभाषित, अर्थात जिसको एक निश्चित संख्या के रूप में बताया जाए, इसके परिमेय है, परिभाषित है, रेशनल है, तथा अपरिमेय अपरिभाषित, जिसे बताया ना जा सके, कहा ना जा सके, ठीक है? तो जैसे कि कोई ऐसी संख्या जिसको हम फिक्स रूप से न लिख पाएँ कि यह कितनी बड़ी संख्या है, वो क्या कहेगी? अपरिमेय, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से हम नहीं जानते, वो हमारी अपरिमेय होगी। जिस संख्या को हम पूर्ण रूप से जानते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो खैर इसकी डिफिनेशन आगे हम बताएंगे, पहले आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में बांटी गई है। तो आइए देखते हैं, अब हमारी जो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है, यह फिर से बांटा गया है। किसमें बांटा गया है देखते हैं। सबसे पहले हमारा परिमेय संख्या बांटा गया है प्राकृत संख्या में। किसमें? प्राकृत संख्या में। प्राकृत, प्राकृत जानते हैं ना, नेचुरल, इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल। नेचुरल तो आप सभी जानते हो, प्राकृतिक रूप से हमारे पास क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, ये सब प्राकृत रूप से हैं, फल हैं, इंसान है, जानवर है, जीव जंतु है, प्राकृत हैं कि नहीं? क्या हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पे शून्य शून्य पेड़ है?
बिल्कुल नहीं कर सकते ना, अर्थात शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, वह सभी संख्याएं जो प्रकृति प्रदर्शित करें, क्या प्रदर्शित करें, प्रकृति, प्रकृति दर्शाएं, मीन कि वो वास्तविक रूप से हों, वास्तविक रूप से हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृतिक रूप से हम कह सकते हैं ना, आप एक पेड़ है, दो पेड़ है, तीन पेड़ है, या सभी धन संख्याओं, जिसे धन इन्हें हम धनात्मक ही कहेंगे, 1, 2, 3, 4 ये हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम किसी की संख्या से प्रदर्शित कर सकें, जैसे वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे दो सेब हैं, हम यह नहीं कह सकते कि वहाँ पे 0 पेड़ है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर, दैट इज़ एन। प्राकृतिक संख्याओं को किससे लिखा जाता है, कैपिटल एन से। दूसरा आता है हमारा परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, इसे हम होल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 0। तो हम जैसे हम गिनती गिनते हैं, तो गिनती को बिना 0 के गिन नहीं सकते हैं, 1, 2, 9 आता है, 9 के बाद क्या आता है, 10, तो 0 चाहिए ना, तभी वो पूर्ण संख्या बनी। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 जोड़ दिया तो क्या कहलाई, पूर्ण संख्या कहलाई, क्या कहलाई, पूर्ण संख्या। ये डॉट 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 लिख रहे हैं क्योंकि हमारी अनंतक है, इनफाइनाइट, मीन चाहे जितना लिखते जाओ ये अनंतक है, ये हमारी बन गई पूर्ण संख्या। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और दर्शाया जाता है, डब्लू से। तो परिमेय संख्या हमने देखा, प्राकृतिक संख्या में बांटा है, पूर्ण संख्या में बांटा है। तीसरा हमारा आता है पूर्णांक, क्या आता है, पूर्णांक, या इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। अब देखो, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी, 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आपको याद होगा, वैसे भूलते तो बहुत हो आप, फिर भी याद तो होगा, कुछ आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा ना पहली कक्षाओं में, कि अगर 0 जैसे तराजू होते हैं ना घर में, कि एक तरफ अगर बढ़ाओ तो दूसरी तरफ कम होगा, तो ऐसे एक तरफ धन होता है, एक तरफ ऋण होता है। अगर इधर हम +1 लिखें, +2 लिखें, तो इधर क्या होगा, -1, -2, तो ये -∞ और ये क्या होगा, +∞। तराजू दोनों तरफ चलती है ना बराबर, कि आप पैसा देते हैं तो पैसा लेते भी हैं, आप भोजन खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ बराबर चल रही है ना, एक तरफ धन तो एक तरफ ऋण, क्योंकि दोनों चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ पैसा मिले, पैसा खर्च भी तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो आइए देखते हैं पूर्णांक। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं में इनके ऋणात्मक अंकों को भी जोड़ दिया जाए, अर्थात -∞ से लेकर -3, -2, -1, बीच में 0 आ गया, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, +1, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फाइनाइट, ये हमारे क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, कि उनके ऋणात्मक अंक, उनके क्या कहे जाएंगे, ये ऋणात्मक, क्योंकि इनमें माइनस सिंबल है, और ये क्या है, धनात्मक। तो सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं का समूह शून्य के साथ लेने पर पूर्णांक बन जाता है। ध्यान दें, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है, ना ही शून्य धन है, ना ही कोई शून्य ऋण है, राइट ना, शून्य का कोई अंक नहीं होता है। ये ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को समूह मिला दे तो हमारा क्या बोला जाता है, पूर्णांक। अब इन तीनों का समूह ही क्या कहता है, परिमेय संख्याएं, राइट। अब इन तीनों के समूह को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक को किस रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। आइए बात करते हैं हम अपरिमेय की, इधर देख लेते हैं। अब अपरिमेय, वह संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या ना हो, पूर्ण संख्या ना हो, पूर्णांक ना हो, क्या कही जाएगी, अपरिमेय। जैसे आप गणित में पढ़ेंगे तो पाई आता है, क्या आता है, पाई, पाई, पाई का मान होता है 3.14237, ऐसे बहुत लंबा मान होता है, जो कभी ना ख़त्म हो, जो कभी ना ख़त्म हो, जिसे लिखा ना जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी परिभाषा के रूप में देखेंगे, क्योंकि परिभाषा के रूप में पहले परिमेय की परिभाषा देखेंगे तब अपरिमेय की। तो ये हमारा अपरिमेय, जैसे कि क्या एग्जांपल है, पाई, जो इन सब में न आए, जो इन सब में न आए वो अपरिमेय, इरेशनल नंबर, इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर। तो आइए अब सबसे पहले परिमेय संख्या की परिभाषा देखते हैं, राइट, क्योंकि हमने ये संख्याएं पढ़ ली। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो देखिए, अब वह कोई भी संख्या, मीन वह कोई भी नंबर जो पी अपान क्यू, यहाँ पे पी अपान क्यू हम क्या मान रहे हैं, कोई कल यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, वेरिएबल्स मान रहे हैं, कि वह कोई भी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके
और साथ में जहाँ पी पी जो पी हमने लिखा है वो क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक ही हमने बताना है, अर्थात पी इनमें से कुछ हो, पी इन संख्याओं में से कुछ भी हो, आप कुछ भी ले लो पी जो आपके मन में आए, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू भी पूर्णांक हो, क्यू भी हमारा इनमें से है, माइनस तीन दो एक छत्तीस बत्तीस तैंतीस जो तुम्हारा मन करे ले। परंतु क्यू नॉट इक्वल टू, इसे हम नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं क्योंकि बराबर लिख के काटा है ना, बराबर मीन इक्वल और काट दिया मीन नॉट इक्वल, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो मीन क्यू जीरो के बराबर नहीं लेना है हमको, कि वह कोई संख्या जिसमें क्यू जो जीरो को छोड़कर कुछ भी हो अर्थात पूर्णांक हो, अर्थात क्यू जीरो के बराबर नहीं है। उदाहरण अब जैसे हम बात करेंगे तो क्या ये भी हमारे परिमेय हो, बिल्कुल है। जैसे अगर हम लिखे दो तो दो के नीचे एक लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या के नीचे एक लिखा जा सकता है, याद रखे जिसका कोई नहीं उसका एक ऊपर वाला होता है ना, तो टू अपान वन एक, तो दो भी एक क्या है परिमेय संख्या, हमने लिख लिया नहीं सर पी अपान क्यू के रूप में, ये देखो पी हो गया, ये क्या हो गया क्यू हो गया। लेकिन देखो अगर हम दो अपान जीरो लिखें यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या हो गया, क्यू नॉट इक्वल टू हमें जीरो चाहिए, तो दो अपान जीरो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि दो में जीरो का भाग देकर देखिए आप क्या होगा, देखिए दो में जीरो का भाग देखिए, जीरो टेन जा जीरो एट जा जीरो जीरो फाइव जा जीरो, बहुत बड़ी संख्या आएगी ना, अर्थात जीरो से दो आपका नहीं कटेगा, तो अगर हम क्यू बराबर जीरो कर देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी जो पूर्णांक है हमारे, क्योंकि उनके नीचे हम एक लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होंगे, या तीन बटे चार जो हम भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन, तीन बटे चार पाँच बटे चार माइनस दो बटे तीन, देखो ये हमारा क्या है पी है ये क्यू है, तीन बटे चार या जीरो जीरो बटे चार जीरो भी परिमेय संख्या है, जीरो बटे पाँच लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या। तो हम समझते हैं आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे, और सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा मीन जो ये हमने संख्या रेखा इस पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, सभी परिमेय संख्याएँ संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। तो आप परिमेय संख्या समझ गए हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां पी पूर्णांक है तथा क्यू पूर्णांक है, पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो अर्थात क्यू जीरो के बराबर नहीं है। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या अर्थात वह संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, बिल्कुल सही, वह संख्याएँ जो पी अपान क्यू के रूप में ना लिखी जा सके अर्थात उसे हम भिन्न रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनके टेंथ क्लास में जाएंगे या नाइन्थ में तो इसके और गहराई से पढ़ेंगे, आप अभी आठ तक के लिए इस पे ही ध्यान दें। तो ये आप यहाँ पे प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए, पूर्ण संख्या, पूर्णांक व परिमेय संख्या, तो इन चीज़ों को आप अपनी कॉपीज बना लीजिए, उसमें भी उतार लीजिए। कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और जो बच्चे हमें पर्सनली जानते हैं वो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछें, शर्माए ना, ठीक है ना। तो घर पे रहिए, मौज करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक्स, नमस्कार, बाय बाय।